Hello everyone. Today in this class I will start some viral diseases. अभी तक जो हमने diseases पढ़े थे वो bacterial diseases थे या फिर fungal diseases थे. Now in this class I will start some viral diseases of the plants. जिसमें सबसे पहले है आपके syllabus में है tobacco mosaic disease. Tobacco mosaic disease. Tobacco mosaic disease. नाम से ही देखिए क्लियर है ये डिजीज किसमें होगा? टोबैको के प्लांट में होगा. टोबैको का बॉटनिकल नेम कौन बताएगा? हाँ रोहित, करण, श्रेया. निकोटियाना टबैकम. ठीक है, तो निकोटियाना टबैकम इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है. और इसके प्लांट में मोज़ेक डिजीज होता है एंड इट इज द लिटरली इट इज द फर्स्ट वायरल डिजीज. इट इज द फर्स्ट वायरल डिजीज रिकॉग्नाइज इन प्लांट्स. प्लांट्स में सबसे पहले टोबैको मोज़ेक डिजीज रिकॉग्नाइज हुआ था. इन प्लांट्स, प्लांट के केस में सबसे पहले टोबैको मोज़ेक डिजीज रिकॉग्नाइज हुआ था एंड इट इज वेरी कॉमन डिजीज एंड फाउंड एवरीवेयर. जहां पर तंबाकू की खेती होती है वहां पर आपको टोबैको मोज़ेक डिजीज इज वेरी कॉमन. नाउ कम टू द सिम्टम्स. क्या क्या सिम्टम्स हैं इसको देख लेते हैं हम लोग. सिम्टम्स जानना जरूरी है क्योंकि सिम्टम्स आप जानेंगे तभी आप अपने प्लांट को ट्रीट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो सिम्टम में देखिए सबसे पहले क्या होता है. इसका जो पहला सिम्टम है द फर्स्ट सिम्टम इज द डिसकलरेशन ऑफ यंगेस्ट लीफ. प्लांट की जो यंगेस्ट लीफ होती है, जो सबसे नई लीफ होती है, उसमें पहला सिम्टम इस डिजीज की वजह से दिखाई देता है एंड इट इज द डिसकलरेशन. नॉर्मली वी नो द कलर ऑफ लीफ इज ग्रीन. डिसकलरेशन हो रहा है इट मींस येलोइंग क्या हो जाएगी, वहां से शुरू हो जाएगी. यहां पर सिम्टम आपको सबसे पहले यंगेस्ट लीफ में दिखेगा, मैच्योर लीफ में नहीं दिखेगा, यंगेस्ट लीफ में. याद रखिएगा टाइम से आप लोग ज्वाइन किया करिए. तो फर्स्ट सिम्टम अपीयर्स एज डिसकलरेशन ऑफ द यंगेस्ट लीव्स. नाउ जब डिस्कवरेशन स्टार्ट होता है उसके कुछ समय बाद क्या होगा, कहीं कहीं लाइट और कहीं पर डार्क पैचेस आपको दिखाई देंगे. ठीक है, कहीं कहीं लाइट कलर के पैच और कहीं कहीं डार्क कलर के पैच आपको दिखाई देंगे. और यही लाइट और डार्क पैचेस और द लीव्स की वजह से ही दिस डिजीज इज नोन एज मोज़ेक डिजीज. क्या कहते हैं? मोज़ेक डिजीज इसीलिए कहते हैं. मोज़ेक पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा जमीन पे किया जाता है, डिफरेंट कलर के पत्थर लगे रहते हैं, वो क्या होता है उसको मोज़ेक कहते हैं. तो यहाँ पर मोज़ेक कहने का यही मतलब है कि आपको लाइट और डार्क कलर के पैचेस लीव्स पर क्या होंगे, दिखाई देंगे. दैट इज व्हाई दिस डिजीज इज कॉल्ड एज सो. ये तो प्राइमरी सिम्टम थे, उसके बाद क्या होगा,
कम मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ कम होगी तो यील्ड बट नेचुरल एनर्जी क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। इट ऑल्सो कॉजेस पार्शियल स्टेबिलिटी ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स कैसे हो जाते हैं, पार्शियली स्टेराइल हो जाते हैं, यानी कि दे विल नॉट बी फर्टाइल। नाउ इट्स सिम्टम, नाउ कम टू द कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म, करण बताओ कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फंजाई होगा या बैक्टीरिया? कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, फंजाई या बैक्टीरिया? रोहित, वायरस से हो रहा है, मतलब फंजाई होगा ना बैक्टीरिया, क्या होगा? वायरस। हम इस तरह का क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि देखते हैं कि आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ठीक, पहले ही जैसे ही शुरू किया था हमने क्लास, पहले ही हमें बताया था कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, वायरल डिजीज पढ़ाने जा रहे हैं। तो न बैक्टीरिया से होता है न फंजाई से होता है, इट इज कॉज बाय वायरस से होता है, एंड द नेम ऑफ वायरस इज निकोटियाना वायरस 1। निकोटियाना वायरस 1 ये नाम है वायरस का। इट इज ऑल्सो नोन एज टोबैको मोज़ेक वायरस, इट इज ऑल्सो नोन एज टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से भी इसको जाना जाता है। दिस वायरस इज रॉड शेप, दिस वायरस इज रॉड शेप, एंड एज वी नो दैट वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो हमने वायरस वाली यूनिट आप लोगों को पढ़ाया था और बताया था कि वायरस क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं मतलब कहने का क्या मतलब है, न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। व्हाट इज न्यूक्लियो प्रोटीन, कैप्सूल होता है, कैप्सूल मतलब वो कैप्सूल होता है वायरस। हाँ, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जिसे इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं और इसमें पाया भी जाता है। अच्छा, चालीस नंबर वायरस का बाहरी भाग होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन। सब लोग तो वही बता रहे हैं, बता रहे और कोई एंटर कैसे करता है होस्ट की, होस्ट बॉडी में? इट इज
एंटर कर जाता है और या तो फिर कैसे जाएगा, सब ट्रांसमिसिबल होता है। इसके अलावा कुछ मैकेनिकल मीन्स है, उससे भी इनकी एंट्री होती है। मैकेनिकल मीन्स में आता है दो, एक तो आता है विंड और दूसरा आता है वाटर। तो विंड और वाटर के थ्रू भी इनका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है और स्प्रेड होता है। नाउ वी कम टू द कंट्रोल मेजर्स। The only way to control tobacco mosaic disease is to use or grow only disease resistant varieties. We should use disease resistant varieties. Disease resistant varieties use karna chahiye and good practice of field sanitation. Field sanitation की good practice होनी चाहिए, यानी कि regular interval पर आप क्या करेंगे, अपने field को क्या करते रहेंगे, clean करते रहेंगे। और the only way to control this disease is to use disease resistant varieties. So that's all about tobacco mosaic disease. If you have any query, then ask. You can ask.